हेलो दोस्त, मेरा नाम है जीटी और आप देख रहे हैं जीटी की जिज्ञासा। तो आज की जिज्ञासा है, यारे लाइफ हैक सच में काम करते हैं नहीं करते? लाइफ हैक्स वाली वीडियो तो आपने ज़रूर देख रखी होगी, मिलियंस में आराम से व्यूज़ पहुँचते हैं। मेरी शायद इस वीडियो पे 50-100 मैक्सिमम चले जाए तो चले जाए। चलो वो टॉपिक छोड़ते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि माचिस की तीली को सबसे पहले नेल पेंट और वैक्स मोमबत्ती के मोम पे डुबाएंगे उसे, और चेक करेंगे कि भीगने पे भी वो जलते हैं या नहीं जलती। लाइफ हैक्स वाले चैनल्स तो यही दावा करते हैं, लेकिन मेरे को डाउट है तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो माचिस को जला लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मोम चाहिए होगा पिघला हुआ। इसे धरते हैं साइड में और अपना प्रोग्राम मेन शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 माचिस की तीलियाँ इसलिए ली हैं क्योंकि एक को तो मैं नेल पेंट से कवर करूँगा, दूसरी को मैं वैक्स से कवर करूँगा, तीसरी को मैं ऐसे रहने दूँगा, क्योंकि एक मतलब फेयर कंपैरिजन मिल जाएगा मुझे कि ये लाइफ हैक करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो सबसे पहले को तो चलो नेल पेंट से कवर कर लेते हैं चारों तरफ से बहुत सही से। तो ये तो मेरे हिसाब से सही कवर हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि कहीं से रह जाए और फिर वीडियो वेस्ट रहे, चीटिंग नहीं होनी चाहिए आपके साथ। अब आती है दूसरे की बारी, तो इसे भी वैक्स से कवर कर लेते हैं। ये भी ओके रिपोर्ट है। चलो इस दोनों तीलियों को तो सूखने के लिए रख देते हैं, और मैं आपसे थोड़ी कितना 20-30 सेकंड के लिए बात कर लेता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो पे 100 व्यूज चले गए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ 2 नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, तो वेलकम दोस्तों। यार आपने सब्सक्राइब करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये वीडियो इस पार्ट तक भी देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे तो बीच में छोड़ देते हैं। तो लगभग 20 मिनट के बाद ये अच्छे से सूख चुकी है। बेसिकली नेल पेंट वाली ने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया, मोम वाली तो तभी की तभी सूख गई थी। तो सबसे पहले वाली है नेल पेंट वाली, उसके बाद आती है नॉर्मल, और उसके बाद आती है वैक्स वाली। तो इसे पानी में भी डुबा लेते हैं। स्नान करा देते हैं, अच्छे से डुबकी लगवा देते हैं। कभी कोई थीली ना बोले कि वो मेरे से ज़्यादा बीकी या मैं उससे कम बीकी। तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इन तीलियों को इस पानी के अंदर तैरते हुए, तो इन्हें जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। और इस तौलिए की मदद से इन्हें अच्छे से सुखा लेते हैं। तो तीलियाँ नहा धो के बिल्कुल रेडी में बैठी हैं टेस्ट के लिए। तो चलिए अपना मेन टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे उस तीली का जिसके ऊपर हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करा था। तो एडवांस में मैं वीडियो की इस पार्ट में आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंगल थोड़ा ख़राब हो गया था, और इसकी वजह से मैं दूसरा अटैम्प्ट भी दिखाऊँगा। तो पहला अटैम्प्ट तो हमारा एंगल की वजह से ख़राब हो गया था, इसलिए दूसरा अटैम्प्ट तो करना बनता ही है। तो इस तीली को भी मैंने 5 मिनट के लिए पानी में डुबाए रखा है। तो चलिए अपना दूसरा अटैम्प्ट भी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ट्राई करने के बाद भी ये तीली जलने का नाम ही नहीं ले रही है, जलेगी कैसे, भीगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ ही रिजल्ट मुझे पहले अटेम्प्ट में देखने को मिला था, सॉरी आपको नहीं मिला देखने को। तो ये प्रूफ करते हैं कि भीगी हुई तीली नहीं काम करेगी।
तो दूसरे नंबर पे आती है वो तीली जिसके ऊपर हमने वैक्स अप्लाई करा था। शुरू में तो ये तीली जलती नहीं है, लेकिन जब ये जलती है तो बुझने का नाम ही नहीं लेती है। तो आप देख सकते हैं जल तो चुकी है, लेकिन अभी जब मैं इसे बुझाने की कोशिश करूँगा बुझेगी नहीं। ये देखिए ये जल उठी, तो आखिर में पानी में गिर दी। उसके बाद ये तीली है जिसके ऊपर हमने नेल पेंट अप्लाई करी थी। ये तीली पहले वाले के मुकाबले जल्दी जल चुकी है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, और कंक्लूजन ये है कि हाँ, ये वाला लाइफ हैक तो काम करता है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस पार्ट पे अभी हो, इतनी लंबी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।